आवाज, स्क्रीन, वीडियो क्लियर है? सब कंफर्म करो तो हम शुरू करें। वी आर ऑलरेडी लेट। क्लियर है सर? चलें जी। अच्छा भाई सर, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना नया चैप्टर, दैट इज मीटिंग्स एंड रेजोल्यूशंस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? कभी भी पेपर बने कंपनी लॉ का, उसमें मीटिंग का सवाल ना हो, ऐसा हुआ नहीं है और ना ही हो सकता है, ठीक है ना? हमारी ये ग्रेड नंबर 2 में फॉल करता है, जिसमें हमने कहा था कि हमारे पास डायरेक्टर्स का चैप्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव वाला चैप्टर है और मीटिंग्स। ये 3 चैप्टर हैं जो एवरेज 25 नंबर के आते हैं, उसमें से एक जो है हमारे पास मीटिंग है। अच्छा जी, हमने एक कॉन्सेप्ट ये पढ़ा था, वोटिंग वगैरह, डिसीजन, रेजोल्यूशंस, ठीक है भाई? कंपनी में अगर कोई डिसीजन होता है, तो कैसे होता है? कंपनी में जब डिसीजन होता है तो वोटिंग से होता है, रेजोल्यूशन पास होती है। रेजोल्यूशन कहाँ होगी? एजीएम में भी हो सकती है, दूसरी टाइप ऑफ मीटिंग्स भी होती हैं कुछ, वहां भी हो सकती है, ठीक है? तो हमने ये पढ़ा था कि भाई डिसीजन होगा मीटिंग में रेजोल्यूशन के थ्रू। तो आज हम देखेंगे कि भाई मीटिंग होती कौन कौन सी है, मीटिंग बुलाई कैसे जाती है, मीटिंग के लिए मिनिमम कोरम क्या होता है, वगैरह वगैरह। इस चैप्टर पूरा डिटेल चैप्टर है, ठीक है? इसको हम कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से कवर करें और इसके जो सारे पास पेपर हैं वो कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर इसमें पास पेपर मौजूद है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? कुछ करके जाओ नहीं जाओ, मीटिंग का चैप्टर ऐसा है जो छोड़ के जाएगा, दैट मीन्स के वो अपने 10, 12, 13, 15 नंबर मैक्सिमम छोड़ के जा रहा है पेपर में, सही है ना? तो सर, इस चैप्टर में हमारे पास क्या है? इस चैप्टर में एक चीज हमारे पास है, कंपनी मीटिंग्स। ये हम आज करने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर हमारे पास टाइप्स ऑफ मीटिंग वगैरह आ जाएगा। फिर हम देखेंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं मीटिंग में, उनसे रिलेटेड कुछ चीजें, प्रोविजंस हैं। मीटिंग कंडक्ट कैसे होती है, मीटिंग का प्रोसीजर क्या होगा, सही है? पोल कैसे किया जाता है, वोट कैसे होता है, शो ऑफ हैंड से होता है या बैलेटिंग होती है, ये सारी चीजें देखेंगे, सही है? फिर हम देखेंगे रेजोल्यूशन, उससे रिलेटेड रिकॉर्ड कि भाई जैसे हम देखते हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स बनते हैं, या रेजोल्यूशन जो पास होती है वो जाती कहाँ है, उनके रिकॉर्ड के हवाले से लॉ क्या कहता है, ये सारी चीजें देखेंगे। भाई देखा जाए तो ज्यादा लेंदी भी नहीं है ये, ठीक है? क्योंकि इसमें जो चीजें हैं ना, प्रोसीजरल हैं, ज्यादा आसानी से याद करने वाली है। कि मतलब कहानी होगी, वो बोलेगा भाई इतने दिन पहले ये कर लेना, फिर ये कर लेना, फिर ये कर लेना, इस तरह की जो चीजें लॉ में होती हैं ज्यादा आसानी से याद हो जाती हैं। बनिस्बत कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ज्यादा रटे वाली होती हैं, ये रटे वाली नहीं है, प्रोसीजर है। प्रोसीजर में एक दो लफ्ज तुम लॉ के लिख दो, फिर तुम भले अपना भी लिख दोगे, चल जाता है, ठीक है? तो सर अभी हम शुरू करते हैं कंपनी मीटिंग से। इसके अंदर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मीटिंग्स। दो तरीके में उसने क्या किया, दो चीजों में डिवाइड कर दिया मीटिंग्स को, एक मेंबर्स की मीटिंग और दूसरी बोर्ड की मीटिंग, ठीक है? फिर बोर्ड की मीटिंग में कौन कौन सी मीटिंग्स आती हैं, मेंबर्स की मीटिंग में कौन कौन सी मीटिंग्स आती हैं, तुम लोग पहले अगर पढ़ चुके हो अपने स्कूल कॉलेज लाइफ में तो थोड़ा बहुत तुम्हें अंदाजा होगा, सही है? फिर पावर ऑफ एसीसीपी। भाई लॉ कहता है मीटिंग बुला लो, वरना एसीसीपी कहता है मेरे पास भी पावर से, मैं बुला सकता हूँ, सही है? एक थोड़े से प्रोविजन है ये देखेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ मीटिंग। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमने कहा कि भाई हमारे पास मीटिंग्स हैं दो तरीके की, एक है मेंबर्स की मीटिंग, एक है डायरेक्टर्स की मीटिंग, सही है जी? सर उसने कहा कि भाई डायरेक्टर्स की जो मीटिंग है ना, डायरेक्टर्स की मीटिंग है, एक तो होगी बोर्ड मीटिंग। चैप्टर 2 के अंदर एक जार्गन हमने पढ़ा था बोर्ड, जिसका मतलब था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है? तो बोर्ड मीटिंग किसकी होगी, जाहिर सी बात है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, तो इसको कौन अटेंड करेंगे ये देखते हैं। फिर हमारे पास आती है एक कमेटी मीटिंग। तो बेसिकली लॉ ने क्या कहा, उसने कहा कि जो टाइप्स ऑफ मीटिंग्स है उसको मैं दो हिस्सों में तोड़ देता हूँ, एक मेंबर्स की मीटिंग, एक डायरेक्टर्स की मीटिंग। फिर उसने कहा कि भाई जो डायरेक्टर्स की मीटिंग है वो दो तरीके की हो सकती है, एक तो बोर्ड मीटिंग, दूसरा कमेटी मीटिंग। अब ये जो मीटिंग है ये सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अटेंड करते हैं। लेट से मेरे पास 10 डायरेक्टर्स हैं किसी कंपनी में, तो 10 के 10 को नोटिस जाएगा कि भाई मीटिंग है इस डेट पे, सबको इन्विटेशन जाएगा। लेकिन कमेटी मीटिंग, अब ये जो बनती है ना, ये इन्हीं में से बनती है,
लेट से कमेटी मीटिंग बहुत तरीके की हो सकती है, लेट से ऑडिट कमेटी, सही है, बोर्ड के पास सारे मामला होते हैं, लेकिन बोर्ड ने क्या कहा, इन 10 में से 4 लोगों की ना, 4 लोगों की उन्होंने एक कमेटी बना दी ऑडिट कमेटी के नाम से, लेट से वो क्या करेंगे, ऑडिट से रिलेटेड मामला जो होंगे ना एक्सटर्नल या इंटरनल, ये लोग देखेंगे, ये लोग डिसाइड करेंगे। अब मैं कह रहा हूं कि भाई मैं एक ऑडिट कमेटी की मीटिंग बुलाने जा रहा हूँ, तो उसमें कौन कौन आएगा, ये 10 लोग आएंगे या 4 आएंगे, जो रेलिवेंट है 4 लोग वो आएंगे, ठीक है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है तो सब आएंगे, समझ रहे हो, जो कमेटी मीटिंग है वो बोर्ड की सब मीटिंग ही है समझो, क्योंकि जो कमेटी बनती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ही बनती है। अब ऐसा नहीं हो सकता, देखो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं बहुत हर हर रोज या हर दफा हर मीटिंग में वो आ नहीं सकते, जब उनकी रेलिवेंट मीटिंग होगी तो वो आ सकते हैं, ठीक है, तो क्या किया जाता है कि भाई रेलिवेंट कमेटीज बना दी जाती हैं, एचआर कमेटी में कुछ डायरेक्टर्स होंगे, ऑडिट कमेटी में 2-3 होंगे, तो जिसका रेलिवेंट मसला होता है उसकी कमेटी मीटिंग बुला दी जाती है, ताकि बाकी डायरेक्टर्स जो अपना काम कर रहे हैं करते रहें, जिनकी रेलिवेंट मीटिंग है सिर्फ वो अटेंड कर लें, समझ आ रही है। तो सर ये कहता है बोर्ड मीटिंग क्या होगा, मे बी अटेंडेड बाय द ऑल द डायरेक्टर्स, कि सारे डायरेक्टर्स जो है वो इंटाइटल्ड होंगे, अगर जो आ सकता होगा वो आएगा। अच्छा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, उनको बोर्ड मीटिंग अटेंड करने पे मीटिंग की फीस मिलती है, तो पर मीटिंग चार्ज करते हैं, जैसे तुम लोग जाओगे अभी ऑडिट करोगे, जब तुम एक्सपेंसेस की उससे ब्रेकअप लोगे तो उसके अंदर एक एक्सपेंस ये भी आ रहा होता है, मतलब 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख भी लेते हैं एक मीटिंग अटेंड करने के लिए भाई, 2-3 घंटे की, ठीक है। फिर हमारे पास इस तरह कमेटी मीटिंग होती है, इसमें भी डायरेक्टर्स आते हैं, उसकी भी फीस ली जाती है, सही है। तो कमेटी मीटिंग में कहता है सेलेक्टेड डायरेक्टर्स पार्टिसिपेट टू डिसाइड फॉर स्पेसिफिक टास्क असाइन टू दोज कमेटीज, जैसे हमारे एग्जाम्पल में हमने कहा कि ऑडिट कमेटी है, उसमें क्या होगा, सेलेक्टेड डायरेक्टर्स जो 4 थे वो अटेंड करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, जो उनका रिस्पेक्टिव सेलेक्टेड असाइन टास्क था उसके ऊपर, बात समझ आ रही है। तो सर हमने पढ़ा कि मीटिंग्स 2 तरीके की होंगी, मेंबर्स की और डायरेक्टर्स की, डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी बोर्ड मीटिंग और कमेटी मीटिंग। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो ये उसने कभी टेस्ट नहीं किया, ना एमसीक्यू में और ना ही कभी क्वेश्चन में, क्योंकि है भी आसान सी चीज, सीए के लेवल की चीज नहीं है ये, वो टेस्ट करता है यहाँ पे मीटिंग्स ऑफ मेंबर्स, मीटिंग्स ऑफ मेंबर्स को फिर ना, अच्छा एग्जाम्पल दे दी उसने, सही है, ऑडिट कमेटी, एचआर कमेटी, रेमुनरेशन कमेटी वगैरह, ये एक ही चीज हो गई कि जो सैलरीज डिसाइड करेंगी स्ट्रेटेजिक लेवल पे, ठीक है। फिर मेरे पास मेंबर्स की मीटिंग में फर्दर उसने 2 चीजों में ब्रेक कर दिया, उसने कहा एक होगी क्लास मीटिंग और जनरल मीटिंग्स। पहले हम क्लास मीटिंग पे आ जाएं, क्लास मीटिंग क्या होती है, कहता है एनी स्पेसिफिक क्लास ऑफ मेंबर्स, फॉर एग्जांपल मीटिंग्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, हमने शेयर कैपिटल के चैप्टर में पढ़ा था कि क्लासेस ऑफ शेयर्स होंगे, प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं, ऑर्डिनरी शेयर की क्लास हो सकती है, ठीक है। तो उसने कहा कि जिस तरह वहां पे क्लासेस मैंने शेयर्स में अलग कर दी हैं, अब एक ऑल्टरेशन पड़ी थी ना, हमने हमने कहा था कि अगर किसी के सब्सटेंटिव राइट्स इफेक्ट हो रहे होंगे तो वो पर्टिकुलर क्लास में से 75% की रेजोल्यूशन पास कर लेना, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, लेट से इफेक्ट हो रहे हैं, मैंने सिर्फ में डिवाइड किया, एक डायरेक्टर्स की मीटिंग और मेंबर्स की मीटिंग, सही है। डायरेक्टर्स की मीटिंग में हमने कहा एक बोर्ड मीटिंग होगी और कमेटी मीटिंग होगी, ठीक है। फिर मेंबर्स की मीटिंग में 2 होंगी, क्लास मीटिंग और जनरल मीटिंग। क्लास मीटिंग हमने देख लिया क्या होता है, जनरल मीटिंग हमने कहा एक स्टैट्यूटरी मीटिंग होगी, एक दफा होगी फिर उसका पर्पस खत्म, दोबारा कभी नहीं होगी। एनुअल जनरल मीटिंग एनुअली होती रहेगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हमने कहा नीड बेसिस पे होगी, सही है जी। फिर हमने शुरू किया आज की क्लास का एजेंडा, दैट इज स्टैट्यूटरी मीटिंग। स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या होता है भाई, हमने कहा कि स्टैट्यूटरी मीटिंग फॉर्मेशन से कंपनी बनी है, सही, आपने लेट से कंपनी में इन्वेस्ट किया है, अब कंपनी की पहली मीटिंग है, उसमें क्या करेंगे, हम बने कैसे हैं, हमारे मसले क्या हैं, आगे गोल्स क्या हैं, बिजनेस के जो एनालिसिस हैं, ग्रोथ किस तरह देख रहे हैं, सही है, और कुछ शेयर्स लिए होंगे लोगों ने, उस शेयर से रिलेटेड कैश की रिसीव होगी, कुछ एक्सपेंसेस पे किए होंगे मैंने, उसका हिसाब किताब देना होगा उनको, ठीक है। तो इस मीटिंग में मेरा एक एजेंडा होता है बस, कौन सा एजेंडा, एक रिपोर्ट होती है जिसको मैं कहता हूँ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, उसको डिस्कस करना होता है, सही है।
लेकिन उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि भाई मीटिंग बुलाना किसको है। जैसे कि मैंने कहा कि हर टाइप ऑफ कंपनी स्टैट्यूटरी मीटिंग कॉल नहीं करेगी, तो लॉ कहता है कि स्टैट्यूटरी मीटिंग कौन बुलाएगा? एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। सवाल पेपर में देखना तुम, मीटिंग का सवाल अटेम्प्ट करने की सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि पहले तो रिक्वायरमेंट पढ़ते हो ना, पता लग जाता है मीटिंग का सवाल है। जैसे ही सिनेरियो रीड करो, पहला लफ्ज हर सवाल में ये हाईलाइट कर देना कि कौन सी टाइप ऑफ कंपनी है, ठीक है, ताकि फिर उससे रिलेटेड ही तुम्हारे जो प्रोविजन है वही तुम्हारे दिमाग में आने लग जाए। फिर तुम प्राइवेट कंपनी की चीजें भूल जाओ, सिंगल मेंबर की भूल जाओ, सिर्फ पब्लिक की चीजें जो है दिमाग में चलनी चाहिए। अच्छा, कहता है एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल शैल होल्ड अ जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी टू बी कॉल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग। तो एक बात तो तय हो गई कि सर पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल ही बुलाएगी। फिर कहता है लेकिन अगर इन केस ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी इज डिसाइडेड टू बी हेल्ड अर्लियर, नो स्टैट्यूटरी मीटिंग शैल बी रिक्वायर्ड। एनुअल जनरल मीटिंग हमने पढ़ा ना कि साल में एक दफा होगी। अब ये कहता है कि अगर तुम क्या करो, स्टैट्यूटरी मीटिंग से पहले एजीएम बुला लो, सही है, एनुअल जनरल मीटिंग को आइंदा हम बोलेंगे एजीएम। तो अगर स्टैट्यूटरी मीटिंग से पहले हम एजीएम बुला लें तो क्या जो इसका पर्पस था वो वहीं फुलफिल हो जाएगा? पहली मीटिंग थी ना, पहली मीटिंग थी वही चीजें अगर मैं एजीएम बुला ली तो वहां हो जाएंगी। तो कहता है लॉ इसका पर्पस फिर खत्म हो जाएगा, तो तुम क्या करना, तब तुम स्टैट्यूटरी मीटिंग नहीं बुलाना। सही है, आपके पास एमसीक्यू में आएगा कि भाई स्टैट्यूटरी मीटिंग हर पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल को बुलानी चाहिए, एक्सेप्शन क्या है इसकी? तो हम बोलेंगे अगर एजीएम पहले हो गई, एजीएम पहले हो गई तो हमें फिर स्टैट्यूटरी मीटिंग बुलाने की नीड नहीं है। सर एक और एक्सेप्शन है कि एक और केस है जिसमें लॉ कहता है कि तुम स्टैट्यूटरी मीटिंग नहीं बुलाना, वो क्या है? वो कहता है अगर तुम प्राइवेट कंपनी थे और तुम अब कन्वर्ट होके क्या बन गए हो, पब्लिक कंपनी। हमने पढ़ा था ना कि भाई चेंज ऑफ पेरेंथेसिस कर लो चैप्टर टू में नेम के अंदर, तो हम स्टेटस चेंज कर सकते हैं, मैं प्राइवेट से पब्लिक बन सकता हूँ। तो ये कहता है द रिक्वायरमेंट शेल नॉट अप्लाई टू अ पब्लिक कंपनी विच कन्वर्ट्स इट सेल्फ फ्रॉम अ प्राइवेट कंपनी आफ्टर 1 ईयर ऑफ इनकॉरपोरेशन। के जब मैं बना तो मैं प्राइवेट कंपनी था और 1 साल तक मैं प्राइवेट कंपनी ही रहा, और उसके बाद मैंने स्टेटस चेंज करवा के पब्लिक कंपनी बन गया, दैट मींस कि मेरी भी एजीएम हो चुकी होगी, ऐसा ही है। तो क्या हो गया? कहता है अब तुम भी स्टैट्यूटरी मीटिंग नहीं बुलाना। बात क्लियर है? तो सर दो एक्सेप्शंस हो गई हमारे पास, अभी तक हम सिर्फ रिक्वायरमेंट पे, हमने कहा पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल बुलाएगी, दो केसेस में नहीं बुलाए, अगर एजीएम पहले हो गई है स्टैट्यूटरी मीटिंग से और मैं प्राइवेट कंपनी था, 1 साल पूरा हो गया है इनकॉर्पोरेशन से और मैंने चेंज करवा दिया स्टेटस प्राइवेट से पब्लिक, तो भी मैं स्टैट्यूटरी मीटिंग नहीं बुलाऊंगा। सिनेरियो के अंदर वो आपको बोलेगा नहीं कि 1 साल हो गया है, वो बोलेगा कि भाई 3 मार्च 2021 को बनी, रिक्वायरमेंट में बोल देगा कि अज्यूम फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन डेट टुडे इज फला फला जो भी डेट, तो तुम्हें देखना होगा 1 साल हुआ है कि नहीं हुआ। सही है, एक नंबर इसका भी रखा होता है उसमें। फिर टाइम लिमिट, बुलानी कब है, किसने बुलानी है, ये हो गया, अब बुलानी कब है ये देखना है। तो कहता है कि भाई स्टैट्यूटरी मीटिंग तुम बुलाना विद इन अर्लियर ऑफ 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। पहले तुम क्या करो, सवाल में तुम्हें कमेंसमेंट डेट दी हुई होगी वो गिन लो। फिर कहता है 9 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। हमने दो चीजें पढ़ी थी ना चैप्टर टू में, हमने पढ़ा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, वो कब मिलता है, मैंने कहा मैंने रजिस्टर करवा दिया मेमोरेंडम आर्टिकल डिक्लेरेशन, तो मुझे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दिया रजिस्ट्रार ने, एक डेट उस पर होगी वो मेरी होती है इनकॉर्पोरेशन डेट। एक मुझे मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, प्रोस्पेक्टस के चैप्टर का पार्ट टू, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जिसमें पब्लिक कंपनी को कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए, तो ये किसके ऊपर लग रहा है, पब्लिक कंपनी पे। सही है, तो सीओसी भी इसके अंदर रेलिवेंट हो जाएगा। तो कहता है 180 दिन सीओसीबी से गिन लो और 9 मंथ्स फ्रॉम
फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सेकेंड लो, सवाल में दोनों चीजें दी होंगी कि फला कंपनी है इनकॉर्पोरेट इस दिन पे हुई थी और बिजनेस सर्टिफिकेट उसको कमिसमेंट मिल गया इस डेट पे। तुम दोनों से क्या करोगे, डेट गिनोगे, जो पहले आएगी उसके अंदर अंदर तुम्हें क्या करना है, स्टैट्यूटरी मीटिंग कॉल कर लेनी। अब देखो जिस लेवल का पेपर आता है बिल्कुल तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा वो के बोल देगा कि भाई मुझे बताओ प्रोविजन बताओ और तुम्हें याद की भी लाइनें लिखना शुरू कर दो। प्रोसीजरल लॉ है, सिनेरियो देगा, सही है, कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो, बगैर याद किए हुए चीजें इसमें से फुल मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। एक कॉन्सेप्ट ये पक्का हो जाए अगर मेरा कि बुलानी किसको है, सिनेरियो में क्लिक कर दिया पब्लिक कंपनी है, रिक्वायरमेंट में लाजमी पूछा होगा उसने कि भाई ये कब बुलाए, क्योंकि डेटा उसने दिया है इसलिए होगा, सही है। तो इसके लिए तुम्हें याद करने की नीड तो नहीं है, अर्लियर ऑफ एक लफ्ज है, ये तो कोई भी लिख सकता है, सही है। हम बोलेंगे कमिसमेंट ऑफ डेज से 180 दिन या 9 महीने इनकॉर्पोरेशन से, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है ना। फिर आए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हाथ साफ हो जाए 180 और 9 मंथ पे। कहता है अ पब्लिक कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 3 जनवरी 2021, ये मेरी क्या है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एंड वॉज अलाउड टू कमिंस बिजनेस फ्रॉम 25 अप्रैल 2021। तो अगर मैं इनकॉर्पोरेशन से मुझे क्या करना है, 9 मंथ्स पे जाना है, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन से मुझे 9 मंथ्स पे जाना है तो मेरे लिए बन जाएगा 3 अक्टूबर 2021, 9 महीने में ले जाऊं जनवरी से आगे, सही है। फिर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से मुझे 180 डेज है, यहाँ 9 मंथ्स है वहां डेज है, ठीक है। तो अगर मैं 25 अप्रैल 2021 से डेज गिनूं तो ये बनते हैं 22 अक्टूबर 2021। तो पहले कौन है, पहले 9 मंथ्स 3 अक्टूबर आ रहा है, तो हम बोलेंगे जो एबीसी लिमिटेड जो भी नाम था इस कंपनी का, इस कंपनी को स्टैट्यूटरी मीटिंग 3 अक्टूबर 2021 से पहले पहले करा देनी चाहिए। समझ आ रही है बात, 3 अक्टूबर 2021 से पहले करा देनी चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं, कहता है नोटिस, नोटिस कितने दिन का होगा, बहुत पढ़ चुके हैं रेजोल्यूशन में हम, बहुत बेच के आ गए, 21 दिन नोटिस, सही है। तो वो नोटिस रेजोल्यूशन में मीटिंग के लिए ही बताता था, तो अब जब मीटिंग में आए तो वो बात क्यों नहीं रिपीट होगी। तो कहता है आपने क्या करना है, स्टैट्यूटरी मीटिंग का नोटिस भेज देना है 21 दिन पहले, लेकिन साथ में एक चीज भी भेजनी, द नोटिस ऑफ स्टैट्यूटरी मीटिंग शैल बी सेंड टू द मेंबर्स एट लीस्ट 21 डेज बिफोर द मीटिंग अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। जैसे कि मैंने कहा कि स्टैट्यूटरी मीटिंग का एक ही एजेंडा होगा, ये डिस्कस करना होता है। तो जब मैं मेंबर्स को नोटिस भेज रहा हूँ मीटिंग से 21 दिन पहले, तो उसके साथ में वो रिपोर्ट दे रहा हूँ ताकि तुम थॉरली पढ़ के आ जाओ, ताकि इसके ऊपर क्रिटिकली डिस्कस किया जा सके, रेजोल्यूशन पास हो सके, या कुछ भी जो है किसी को कोई सवाल पूछना हो तो वो मीटिंग में पूछ सके। यहाँ तक बात समझ आ रही है। चौथी चीज स्टैट्यूटरी मीटिंग में हमारे पास आ जाती है फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार। तो ये कहता है कि ये जो तुमने स्टैट्यूटरी रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को भेज दी ना 21 दिन पहले, जैसे ही उनको भेज दो तो फॉरेन रजिस्ट्रार को भी भेज दो, ऐसा ही है। कहता है द डायरेक्टर्स शैल कॉज अ कॉपी ऑफ द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट अलोंग विद द रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर्स एज अफोरसेड टू बी डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन फोर्थविथ आफ्टर सेंडिंग द रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी। इनको हमने क्या किया, रिपोर्ट भेज दी रजिस्ट्रार को, कहता है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के साथ ऑडिट रिपोर्ट भी भेज देना। अब ऑडिट रिपोर्ट क्यों, किस चीज का ऑडिट, 2 मिनट दो, इसको आगे डिस्कस करेंगे, अभी आएगा पॉइंट। मैंने कहा ना कि भाई शेयर्स की लेन देन के पैसे के बारे में भी डिस्कस करना होता है। कंपनी के पास पैसा आया, शेयर दिए हमने, ठीक है, कंपनी ने एक्सपेंसेस पे किए होंगे, अभी कंपनी फॉर्मेट जो है अभी फॉर्म हुई है, अभी इनकॉर्पोरेट हुई है, तो खर्चे भी होते हैं कंपनी बनने के, उनका भी हिसाब देना होगा। तो जब भी हिसाब किताब की बारी आती है तो साथ में क्या आता है, ऑडिट। अब वो पूरे एनुअल अकाउंट्स की होगी, ये मैं बोल रहा हूँ अभी कंपनी के बनने का हिसाब किताब दे रहे हैं, सही, एजीएम तो अभी मेरी 1 साल बाद होगी ना, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑडिट रिपोर्ट दे रहा हूँ उन खर्चों की जो अभी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में आ रहा है। तो बहरहाल मैंने कहा कि एक नोटिस के साथ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को दे देना, फिर वही
रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट के साथ तुम रजिस्ट्रार को भिजवा देना। यहां तक बात समझ आ रही है? चार स्टेप पढ़े अभी तक हमने, पेपर में लाजमी आएगा, ये चारों स्टेप हमें याद भी हो जाने चाहिए। अभी पब्लिक कंपनी को हेल्ड करानी होती है, सही है? दो एक्सेप्शन है, एजीएम पहले करा दी तो रिक्वायर्ड नहीं है, या फिर मैंने क्या हो कन्वर्ट किया हो स्टेटस, बिल्कुल। फिर हमने कहा टाइम लिमिट 180 डेज फ्रॉम सीओसीबी या 9 मंथ फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन, व्हिच एवर इज अर्लियर। नोटिस भेज दिया मैंने रजिस्ट्रार को रिपोर्ट के साथ, और सॉरी मेंबर्स को 21 दिन पहले। फिर मैंने यही रजिस्ट्रार को भेज दिया ऑडिट रिपोर्ट के साथ। अब क्या करना है? अब है सर्टिफिकेशन ऑथेंटिकेशन, इसकी बात कर रहा है। कहता है ये जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट है ये ऑथेंटिकेट होनी चाहिए, तो इसके ऊपर कौन साइन करेगा? शैल बी सर्टिफाइड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड एटलीस्ट वन डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अगर पब्लिक लिस्टेड कंपनी है तो सीएफओ भी साइन करेगा। नॉर्मल हालात में दो लोग साइन करेंगे, डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव, लेकिन पब्लिक लिस्टेड है तो एक और बंदा ऐड हो जाएगा, सीएफओ भी साइन करेगा उसके ऊपर, तो क्या माना जाएगा? तो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट को ऑथेंटिकेटेड माना जाएगा। क्या यहां तक बात सही है? सर छठे पॉइंट पे आ जाते हैं, लिस्ट ऑफ मेंबर्स एट द मीटिंग। अभी तक जो हमने पॉइंट पढ़े ना वो प्री मीटिंग थे, कि मीटिंग हेल्ड नहीं हुई उससे पहले की चीजें थी। अब हम जो पॉइंट पढ़ रहे हैं ये ड्यूरिंग द मीटिंग की बात हो रही है, मीटिंग वाला दिन आ गया, अब उस दिन कुछ काम करने हैं, सही है? कहता है लिस्ट ऑफ मेंबर्स एट अ मीटिंग, द डायरेक्टर शैल कॉज अ लिस्ट ऑफ शोइंग द नेम्स, ऑक्यूपेशन, नेशनैलिटी, एड्रेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी एंड द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम रिस्पेक्टिवली, टू बी प्रोड्यूस एट द कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग एंड टू रिमेन ओपन एंड एक्सेसिबल टू एनी मेंबर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द मीटिंग। हम क्या करेंगे भाई, डायरेक्टर्स करेंगे ये कि कंपनी के जो भी मेंबर्स हैं, मेंबर्स की डेफिनेशन में पढ़ा था ना रजिस्टर ऑफ मेंबर बनता है, ठीक है? उसमें क्या होगा, नाम होगा, कितने शेयर हेल्ड किए हुए हैं, ऑक्यूपेशन, नेशनैलिटी, सारी जो भी डिटेल्स हैं उसकी कॉपीज क्या करेंगे, जहां मीटिंग हो रही है वहां रख दी जाएंगी, ताकि जो भी मेंबर हो ड्यूरिंग द मीटिंग इसको देखना हो कि भाई मैं नया नया आया हूँ ना, मैं भी तो देखूँ मेरे अलावा और कौन कौन इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है और कौन कौन मेंबर है, सही है? तो वो जो देखना चाहें वो देख सकते हैं, ये ड्यूरिंग द मीटिंग की बात हो रही है। फिर एक और पॉइंट मेरे पास ड्यूरिंग द मीटिंग का आ रहा है, डिस्कशन एट मीटिंग। किस चीज की डिस्कशन? कहता है द मेंबर्स ऑफ द कंपनी प्रेजेंट एट द मीटिंग शैल बी एट लिबर्टी टू डिस्कस एनी मैटर रिलेटिंग टू द फॉर्मेशन। किसी को कोई मसला हो फॉर्मेशन से रिलेटेड पूछ सकता है, और अराइजिंग आउट ऑफ द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। मैंने भिजवाई 21 दिन पहले इसलिए थी रिपोर्ट कि जाओ देख लो, किसी को कोई मसला हो तो वो लेके आना मीटिंग में। तो अब वो कह रहा है किसी को फॉर्मेशन से रिलेटेड मसला हो, किसी को स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में कोई बात समझ नहीं आ रही हो, तो उसके पास लिबर्टी है, तैयार है, राइट है कि वो मीटिंग में क्या कर सकता है, उसको डिस्कस कर सकता है, सही है जी? कहता है वेदर द प्रीवियस नोटिस हैज बीन गिवन और नॉट। अक्सर क्या होता है, मीटिंग का एक एजेंडा होता है जो नोटिस में बता दिया जाता है कि भाई इस के ऊपर बात होगी। नेशनल असेंबली होती है हमारी, सही है? पॉलिटिशियंस बैठते हैं तो एक एजेंडे के ऊपर बात करते हैं, रैंडमली कोई टॉपिक नहीं हो सकता उसमें, ठीक है? कहता है लेकिन इस केस में तुम्हें कुछ डिस्कस करना है तो उसका नोटिस भले दिया हो या ना दिया हो, तुम्हें लिबर्टी है, राइट है, तुम डिस्कस कर सकते हो, ठीक है? वेदर प्रीवियस नोटिस हैज बीन गिवन और नॉट। लेकिन कहता है बट नो रेजोल्यूशन ऑफ विच नोटिस हैज नॉट बीन गिवन इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल्स मे बी पास्ड। अब इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट हैं इस डब्बे में। कहता है डिस्कस करना चाहो फॉर्मेशन के ऊपर, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के ऊपर करो, इजाजत है, लेकिन कोई ऐसा मैटर जिसका नोटिस नहीं दिया हमने, डिस्कस तो कर सकते हो लेकिन उसके ऊपर रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकते, ठीक है? रेजोल्यूशन उन्हीं के ऊपर पास होगी जिनका नोटिस दिया है, वो एजेंडा में शामिल है। क्लियर है भाई? अभी दोबारा रिवाइज करेंगे इसको, बिल्कुल ये ना छाप के जाएंगे आज दिमाग में, ताकि इंपॉर्टेंट चीजें आपके हाथ याद हो जाए। फिर आठवीं चीज एडजर्नमेंट। भाई ये कॉन्सेप्ट है मीटिंग का कि मीटिंग क्या एडजर्न हो सकती है? नहीं हो सकी किसी भी रूप। कराची है समझो 2005-06 चल रहा है, अचानक स्ट्राइक हो गई, बैठे बैठे हो जाती थी ना उस वक्त, तो किसी भी रीजन की वजह से, कुछ स्पेसिफिक रीजन होते हैं,
अगर वो कंडीशंस पूरी ना हो सके तो मीटिंग एडजॉइन कर दी जाती है। आगे चलेंगे ना, जो हमने थर्ड या फोर्थ चैप्टर टॉपिक के अंदर इसी में पढ़ेंगे कि एडजॉइनमेंट होती क्यों है। अभी हम कह रहे हैं कि चलो एडजॉइन हो गई अब किसी और डेट पे, सही है, तो लॉ कहता है कि भाई द मीटिंग मे एडजॉइन फ्रॉम टाइम टू टाइम, इजाजत है भाई, हो सकती है, सही है, कोई मुमानियत नहीं है। एंड एट एनी एडजॉइन मीटिंग एनी रेजोल्यूशन ऑफ विच नोटिस हैज बीन गिवन इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल्स ईदर बिफोर और आफ्टर द ओरिजिनल मीटिंग मे बी पास्ड एंड एन एडजॉइन मीटिंग शैल हैव द सेम पावर एज एन ओरिजिनल मीटिंग। अब इसके अंदर दो जार्गन मेन है, एक तो ओरिजिनल मीटिंग, सर ये ओरिजिनल मीटिंग क्या होता है, असली मीटिंग जो मैंने रखी थी, लेट से पहली मई को मैंने रखी मीटिंग 2023, ठीक है, कुछ हालात ऐसे हुए कि नहीं हो सकी, इसको हमने कर दिया 6 मई को 2023 को, ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूं मेरी ओरिजिनल मीटिंग और इसको मैं क्या कह रहा हूं एडजर्न मीटिंग, ठीक है। तो ये मेरे पास दो जार्गन इस डब्बे में डिस्कस हुए हैं, ओरिजिनल मीटिंग और एडजर्न मीटिंग। अब कहता है कोई एक इशू है, कोई एक मसला है, ठीक है, उसकी रेजोल्यूशन तुमने यहां पास की एडजर्न मीटिंग में, ठीक है, कहता है कर सकते हो, भले उसका नोटिस इससे पहले दिया हो, ठीक है, नोटिस जो है इससे पहले दिया हो या इसके बाद भी दिया हो तो भी क्या हो सकता है, ये पास हो सकती है रेजोल्यूशन एडजॉइंट मीटिंग में, सही है, कोई भी ऐसा मसला जिसका नोटिस ओरिजिनल मीटिंग से पहले दिया हो या बाद में दिया हो, सही है, इधर बिफोर और आफ्टर द ओरिजिनल मीटिंग मे बी पास, कोई भी रेजोल्यूशन है पास हो सकती है एडजॉइंट मीटिंग में। फिर उसने एक बात कही, उसने कहा एडजॉइंट मीटिंग शैल हैव द सेम पावर्स एज एन ओरिजिनल मीटिंग, कहता है भले ये एडजॉइंट हो गई है लेकिन इसको ये नहीं समझना कि असल जो पावर्स थी वो इसी मीटिंग में थी, इसमें नहीं होंगी, कहता है वैसे ही समझी जाएगी जैसे ये ओरिजिनल मीटिंग है, सिर्फ फर्क क्या है, उसमें नहीं हो सकी आज हो रही है, ठीक है, पावर्स सारी वही होंगी, जो डिसीजन वैसे माने जाते हैं इसमें भी सेम वैसे ही माने जाएंगे, क्लियर है भाई, क्लियर है, ये एडजॉइंटमेंट क्लियर है, सबसे अच्छी चीज इस चैप्टर की ये है कि लेस टेक्निकल है और मार्क्स गेनिंग है। चलें भाई फिर हम आ गए अपने 9th पॉइंट पे, इंपॉर्टेंट चीज है कंटेंट्स ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। भाई हमने कहा स्टैट्यूटरी मीटिंग का एजेंडा क्या है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि उसके कंटेंट्स में आता क्या है, तो स्टैट्यूटरी मीटिंग के कंटेंट्स में कहता है सबसे पहले तुम क्या कर देना, द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, डिस्टिंग्विशिंग शेयर्स अलॉटेड अदर देन इन कैश एंड स्टेटिंग द कंसिडरेशन फॉर विच दे हैव बीन अलॉटेड, कहता है तुमने तो पहले मुझे क्या देना है, शेयर्स का ब्रेकअप देना है। पेन कहाँ है, ये ब्रेकअप कैसे देना है, लेट से एक रिपोर्ट है उसमें बोलूंगा ये कैश वाले हैं ये अदर हैं, मतलब इनके अगेंस्ट में कैश नहीं दिया हुआ, सही है, ये मैंने नंबर ऑफ शेयर्स दे दिए 500, लेट से ये 100, ठीक है, ताकि मेरे पास क्या आ जाए, जो मैंने कैश में शेयर्स इशू किए हैं मेरे पास उनका एक नंबर निकल के आ जाए, क्यों, क्योंकि मुझे आगे चल के भी पैसों का हिसाब देना है जब भी मैंने ऑडिटर को इन्वॉल्व किया है, सही है, तो कहता है पहले मुझे शेयर्स का ब्रेकअप दे दो जिसमें कैश और नॉन कैश का ब्रेकअप दे दो कि इतने नॉन कैश वाले हैं ये शेयर्स वाले, फिर कहता है द टोटल अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर्स अलॉटेड, कि अब जो तुमने शेयर्स अलॉट कर दिए उनके अगेंस्ट में पैसे कितने मिले वो बता दो, फिर एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ रिसीट, मतलब एक्सट्रैक्ट बोल दो, समरी बोल दो, रिसीट एंड पेमेंट की एक समरी देनी है, मेड अप टू अ डेट विद इन 15 days ऑफ द डेट ऑफ द रिपोर्ट अंडर द डिस्टिंक्ट हेडिंग। अब ये कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कहता है एक रिपोर्ट डेट लो, ठीक है, उसके 15 दिन के अंदर जो भी चीजें हुई हैं
मुझे वो बना के दे दो। लेट्स से अब मुझे अगर प्रेजेंट करनी है ये 1 मई को, मुझे रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है 1 मई को, ठीक है। 1 मई से 15 दिन पीछे चले जाओ, 16 अप्रैल, 16 अप्रैल होगा मेरे ख्याल से, सही है। तो कहता है 16 अप्रैल तक, मतलब 15 दिन का कट ऑफ दे रहा है आप। अब मीटिंग मेरी 1 अप्रैल को है, तो मैं 1 अप्रैल तक के खर्चे तो नहीं बता सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। 1 अप्रैल को खर्चे भी बताऊं, उनको ऑडिट भी कराऊं, सारी चीजें कराऊं, कैसे होगा, सही है। तो कहता है आपने एक रिपोर्ट बनानी है, जिस दिन आप दे रहे हो उसके 15 दिन का आप कट ऑफ ले लो। मैं 1 मई को दे रहा हूँ, मैंने 15 अप्रैल तक का कट ऑफ दे दिया। या फिर इसको उल्टा समझ लो भले, कि रिपोर्ट डेट क्या है, 16 अप्रैल, 15 दिन में दे दो, वही बात हो जाएगी 1 मई को, सही है, क्लियर है। तो 15 दिन का कट ऑफ होगा, ताकि आप एक ब्रेक लगा के खर्चों की और रिसीट की समरी तो निकाल सको, वरना तो ऐसे रोज का काम होगा, मैं कब कब लगाऊंगा कट ऑफ उसको, सही है। तो ये कहता है अब तुम्हें समरी देनी किस चीज की है, रिसीट्स और पेमेंट किस चीज की। कहता है रिसीट फ्रॉम द शेयर्स, डिबेंचर्स एंड अदर सोर्सेस। मैंने कोई भी सिक्योरिटी इशू की है, उसके अगेंस्ट में मुझे कैश मिला है, वो लिखना है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट की समरी में, सही है, एक जो रिसीट और पेमेंट की समरी में। और फिर जो मैंने पेमेंट्स की होंगी, कुछ मेरे खर्चे हुए होंगे तो वो भी बता दो। दैट मींस कि मैं दो कॉलम बना रहा हूँ, रिसीट, कैश बुक देखी थी जैसे कैश बुक होती थी, रिसीट और पेमेंट, ठीक है। तो मैं एक तरह की कैश बुक बना के दे रहा हूँ कि भाई ये इस मद में पैसे आए, ये इस मद में पैसे गए। फिर मेरे पास द बैलेंस रिमेनिंग, मेरे पास कैश आया, कुछ कैश मैंने पे कर दिया, एक आखिर में मेरे पास बैलेंस बचेगा, वो इस तरह की मैंने एक समरी बना के देनी है। फिर एन अकाउंट और एस्टिमेट ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, शोइंग सेपरेटली एनी कमीशन और डिस्काउंट पेड और टू बी पेड ऑन द इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, ठीक है। अब ये कहता है कि एक समरी मुझे बनाओ, जो कंपनी बनती है ना, कंपनी बनने से पहले भी कुछ खर्चे होते हैं, मुझे लीगल कंसल्टेंट हायर करने पड़ते हैं, कुछ फीसेस भरनी पड़ती हैं, सारी चीजें। बोलता है एक स्टेटमेंट, एक अकाउंट, उनका भी मुझे बता दो कि उसमें क्या क्या खर्चा आया है। अगेन क्यों, क्योंकि मेरी पहली पहली मीटिंग है। अब जैसे तुम बात कर रहे थे ना कि सर वो तो एजीएम में नहीं होगा, एजीएम में मैं ये बातें नहीं करूंगा, अनटिल और अनलेस के एजीएम इससे पहले हुई है, सही है। एजीएम में मैं क्या करूंगा, मेरे हाथ में फाइनल अकाउंट्स होंगे, पूरे साल में हमने क्या किया, ऑपरेशंस, उसके ऊपर बात होगी, सही है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन से रिलेटेड बातें हो रही हैं। मैंने स्टैट्यूटरी रिपोर्ट एजेंडा होता है, उसमें मैंने उसको बता दिया भाई इतने शेयर्स हमने कैश में दिए, इतने पैसे आए, ये पैसे आए, ये हमने खर्चे किए हैं, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, ये उसका ब्रेकअप है, ये हमने ब्रोकरेज पे किया, ये कमीशन पे किया शेयर्स के ऊपर, क्योंकि सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, शेयर रजिस्ट्रार इन्वॉल्व होगा, कोई ब्रोकरेज हाउस इन्वॉल्व किया होगा, सही है, सारी चीजें। फिर नेम, एड्रेसेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव, कंपनी सेक्रेटरी, ऑडिटर्स एंड लीगल एडवाइजर, इन सब के नाम, एड्रेस वगैरह, ये सारी चीजें आप इस रिपोर्ट के अंदर लिख के दोगे, क्लियर है भाई। चार चीजें स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के अभी तक हमने पढ़ी, ये जो तीन चीजें हैं ना, तीन चीजें इसमें इन्वॉल्व है कैश, तो जो ऑडिटेड रिपोर्ट होती है ना वो इनके लिए जाती है, क्लियर। जो हमने रजिस्ट्रार को भेजी थी, रजिस्ट्रार, हमने शेयर होल्डर को क्या किया, शेयर होल्डर को सिर्फ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट भेज दी, ठीक है, लेकिन रजिस्ट्रार को मैंने क्या भेजा, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट प्लस ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट ये पॉइंट नंबर ए, बी और सी के लिए होती है, क्लियर है भाई। सर अभी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट खत्म नहीं हुई, ए बी सी डी, आगे कुछ और भी चीजें हैं जो इसके अंदर आती हैं, कंटिन्यू है हमारे पास। फिर कहता है द पर्टिकुलर्स ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू बी मॉडिफाइड फॉर विच अप्रूवल ऑफ मीटिंग इज रिक्वायर्ड टूगेदर विद द प्रपोज मॉडिफिकेशन। हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हुए होंगे, सही, कंपनी के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हुए होंगे। अब जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, जैसे कि लीज पढ़ा हो अगर आपने, सही है, लीज मैंने किसी के साथ लीज की, वो मॉडिफाई भी हो सकता है, सही है। मैंने पहले बोला कि 3 साल की होगी, कुछ टर्म्स अलग थी, अब चेंज हो गई, 8 साल की कर रहा हूँ, कुछ टर्म्स अलग कर रहा हूँ, तो उसके अंदर मॉडिफिकेशन आ सकती है, दैट मीन्स चेंज आ सकता है अग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में। तो ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो मॉडिफाई हुआ है, सही है, या मॉडिफाई होने वाला है,
वो क्या करना, वो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में पार्ट बनाना ताकि डिस्कस हो मीटिंग में, क्लियर है। फिर हमारे पास द एक्सटेंट टू विच द अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट हैव बीन कैरिड आउट टूगेदर विद द रीजन फॉर नॉट हैविंग बीन कैरिड आउट। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था शेयर कैपिटल में, हमने कहा था जब पब्लिक सब्सक्रिप्शन होती है, लेट से मैंने 1,000 शेयर इशू करने थे, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 1,500 एप्लीकेशन आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि 700 आए पूरी 1,000 आए भी नहीं, सही है। तो इस केस में क्या होता है, लेट से कंपनी 1,000 शेयर इशू करना चाह रही है, अब लोगों ने इंटरेस्ट शो किया टोटल 700, तो पीछे मेरे पास 300 शेयर्स बच गए, तो मेरा एक बैकअप होता है जिसको मैं बोलता हूँ अंडर राइटर या अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या करते हैं, ये मेरा एज अ बैकअप में यूज करता हूँ कि मुझे 1,000 शेयर इशू करने ही करने, तो अंडर राइटर क्या करता है मेरे से वो शेयर्स ले लेता है, सही, और मेरे पास थोड़ा डिस्काउंटेड प्राइस पे मुझे उसको देना पड़ता है, ताकि बस ये है कि मेरे टारगेट पूरा हो जाता है, मुझे 1,000 शेयर इशू करने थे वो मेरे हो गए, क्लियर है। तो कहता है अगर ऐसा कुछ हुआ है, अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट किए हैं तुमने, सही है, तो उसके रीजन बता दो, अगर अंडर राइटिंग नहीं हुई है तो वो भी बता दो, क्लियर कंपनीज ही होती हैं, सही है, मतलब ये भी बिजनेस है। हाँ अबे ऑडिट पहले हो जाएगा, देखो रिपोर्ट जिस दिन, अब देखो तुम ये जो ऑडिट है ये प्रॉपर कोई वो नहीं है, सर्टिफिकेशन होती है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं अकाउंट लूंगा उससे, अकाउंट लूंगा, अगर तुम फर्म में जाओ, ये जूनियर को भेजा जाता है ऐसे कामों में, सबसे जो नया नया होता है, ठीक है, एक दिन लगाता है वो, रिव्यू कराता है पार्टनर को, हो जाता है काम, ये कोई वो बड़ी चीज नहीं है। मुझे क्या देखना है बेसिकली, बैंक स्टेटमेंट में कैश आता हुआ गिरना है, मुझे बैंक स्टेटमेंट लेनी है उनसे, मैं देखूंगा भाई ये कैश आ रहा है, ठीक है, मैं एग्रीमेंट्स देख लूंगा सैंपल बेसिस पे, ओके की रिपोर्ट है, हो गया काम, वो यही होता है, ठीक है। लेकिन ये है कि शेयर होल्डर्स को ऑब्वियसली एक इंडिपेंडेंट इसके ऊपर राय चाहिए होती है, क्योंकि कैश का मामला है, सही है। लेकिन कैश को वेरीफाई करना सबसे ज्यादा आसान है, सीधा सीधा बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, ठीक है। फिर कहता है एनी कमीशन और ब्रोकरेज पेड या पेबल फॉर द इश्यूएंस ऑफ शेयर्स टू एनी डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, सेक्रेटरी और ऑफिसर टू अ प्राइवेट कंपनी ऑफ विच ही इज अ डायरेक्टर। हमने क्या किया हो, अगर इन लिस्ट में से किसी को भी हमने शेयर इशू किए, ठीक है, और उसकी ब्रोकरेज पे किए या पे करने वाले, ठीक है, उसकी भी इसमें तुम रिपोर्ट डाल देना। तो अभी तक मेरे पास कितने पॉइंट हो गए, 4, वहां 3, यहाँ 7। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट शुरू से रिवाइज करें, पहले हमने कहा पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल जो है वो उसको रिक्वायर्ड है कि मीटिंग रखे, दो केसेस में नहीं होगी, अगर एजीएम पहले हो गई मेरी स्टैट्यूटरी मीटिंग से, और दूसरा केस मैंने स्टेटस चेंज करा दिया, टाइम लिमिट 180 डेज फ्रॉम द सीओसीबी या 9 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फिर मैंने कहा नोटिस भेजेंगे शेयर होल्डर्स को 21 दिन पहले, रजिस्ट्रार को इमिडिएटली फॉरवर्ड कर देंगे उसके बाद, लेकिन उसको हम ऑडिट रिपोर्ट के साथ भेजेंगे। फिर हमने क्या पढ़ा, एडजमेंट पड़ा, वो तो उसके मीटिंग के अंदर आएगा ना, एडजमेंट पड़ा, सही है, एडजमेंट हो सकती है मीटिंग की, बिल्कुल हो सकती है, और एडजमेंट को ऐसा समझा जाएगा जैसे ओरिजिनल मीटिंग में ही पास हुआ। फिर हमने क्या पढ़ा, हाँ ऑथेंटिकेशन उसकी रिपोर्ट की, ठीक है, ऑथेंटिकेट कौन करता है, चीफ एग्जीक्यूटिव, डायरेक्टर और लिस्टेड कंपनी के केस में सीएफओ। फिर हम आ गए भाई स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के ऊपर, उसके अंदर हमने पढ़ा कि पहले आपने शेयर्स की डिटेल दे देनी है, ठीक है, और फिर हमने क्या देखा भाई इसके अंदर, अभी मैंने समरी बनाई हुई है उसमें भी सारा आ रहा होगा, हमने देखा शेयर्स की डिटेल आ जाएंगी, टोटल कैश कितना आया है, एक मैंने समरी बना के दे दी कैश बुक टाइप, रिसीट और पेमेंट्स की, और उसमें बैलेंस भी आ रहा होगा, फिर मैंने नाम एड्रेसेस ये सारी चीजें देख ली, ठीक है, और फिर कॉन्ट्रैक्ट्स मॉडिफाई हो रहे हैं मेरे पास है नहीं हो रहे, अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं कि नहीं हुए, और डायरेक्टर्स ऑफिसर्स वगैरह की अगर हमने ब्रोकरेज पे की है तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। फिर आखिर में कहता है द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट शल ऑल्सो कंटेन अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्टेट ऑफ द कंपनीज अफेयर्स सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन।
कि आपने इसके अंदर ये भी बताना है कि हालात और वाकयात क्या कह रहे हैं कि भाई अब तक जितना टाइम हो गया है, 8, 9, 10 महीने तो हो चुके होंगे ना जब तक ये मीटिंग हेल्ड होगी, 8 महीने मिनिमम हो गए होंगे, ठीक है। तो कहता है अब तक कंपनी चल कैसे रही है वो बताओ, क्या हालात चल रहे हैं, अच्छे हैं कि बुरे हैं, आगे के बिजनेस प्लान क्या है, ठीक है, अगर कोई चेंजेस तो नहीं होने वाली, अगर कुछ चेंजेस होने वाली है बिजनेस में तो वो भी बता दो, ठीक है, ताकि एक ओवरऑल आइडिया हो जाए शेयर होल्डर्स को कि भाई हमारा पैसा जो लगा है तो कंपनी जा किस सिमत में रही है। फिर रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर, द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट शल सो फार एज इट रिलेट टू द शेयर्स अलॉटेड बाय द कंपनी, कैश रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर्स टू द रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ द कंपनी, वही हो गए पॉइंट ए बी और सी, सही है। अगर मैं इसको समरी में लिखूं तो ए बी सी शैल बी अकंपनीड बाय अ रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी सो एज टू द करेक्टनेस ऑफ सच अलॉटमेंट रिसीट ऑफ कैश एंड रिसीट ऑफ पेमेंट, ठीक है। जैसे मैं तुम लोग को वही बता दिया कि ए बी सी अकंपनीड बाय होंगे ऑडिट रिपोर्ट के लिए। भाई यहाँ तक किसी का कोई सवाल, 10 पॉइंट जो हमने पढ़े स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चला जा भाई। अच्छा भाई स्टैट्यूटरी मीटिंग हमारे पास ये आ गया पूरा एक पेज पे। हमने कहा पब्लिक कंपनी विच हैविंग शेयर कैपिटल जो है वो रिक्वायर है, उसको नहीं रिक्वायर होगा दो केसेस में, कन्वर्ट कर दिया मैंने स्टेटस, पहली एजीएम मेरी हो गई स्टैट्यूटरी से, पॉइंट नंबर 3 टू बी हेल्ड अर्लियर 9 मंथ्स 180 डेज फ्रॉम द सीओसीबी, चौथा पॉइंट नोटिस भेज दिया मैंने, इसमें चौथा और पांचवा मिला के दिया हुआ, नोटिस भेज दिया रजिस्ट्रार को और मेंबर्स को, अब मैं रजिस्ट्रार को भेजूंगा ऑडिट रिपोर्ट के साथ। फिर मैंने कहा हम लिस्ट रखेंगे मेंबर्स की ड्यूरिंग द मीटिंग कि उनके नाम हो के पेशेंट किसी को देखना है तो देख ले, ठीक है। फिर पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट ये सारी हमने अभी पढ़ ली है। फिर हमारे पास एक आखिरी चीज़ थी कि मीटिंग एडजर्न हो सकती है और एडजर्नमेंट को ऐसे मानेंगे कि जैसे ओरिजिनल मीटिंग है, ठीक है जी। यहाँ तक किसी का कोई सवाल स्टैट्यूटरी मीटिंग के ऊपर, कोई मसला है तो पूछ लो ऑनलाइन, उसी दिन नहीं होती, फिर लॉ कहते हैं अगले हफ्ते में उसी दिन रख देना, अच्छा दोबारा एडजर्नमेंट हो जाए। अब वो डिपेंड करता है किन रीजंस की वजह से एडजर्नमेंट पड़ेंगे ना, उसमें कुछ रीजन ऐसे है कि अगर मेंबर्स पूरे ना होने की वजह से हैं तो फिर लॉ तो ये भी कहता है एक दो बंदे भी हो ना मीटिंग कर लो मैं मान लूंगा, तो वो आगे चीजें हैं अभी आ रही हैं इस चैप्टर में ही, इसके ऊपर भी सवाल आया हुआ पेपर में जो तुमने पूछा। भाई एक अदद पास पेपर है 12 नंबर का सवाल है ऑटम 2009 का, अल्फा टेक्नोलॉजीज इज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग इनकॉर्पोरेटेड एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है। हमने कहा था जब सवाल करेंगे तो पहले देख लेंगे कंपनी कौन सी है, अल्फा पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। फर्दर ATL has plans to have its stock listed on all 3 stock exchanges. पहले 3 होते थे, अब PSX हो गया, ये पुराना सवाल है। Within a period of 1 year of its incorporation, ATL है, अभी limited है, listed होने वाली है, ऐसा ही है। कहता है write a letter to the promoters of ATL. Promoters क्यों? अभी इनकॉर्पोरेट होने जा रही है, तो जब मैंने कहा था इनकॉर्पोरेशन से पहले वो जो सब्सक्राइबर होते हैं वो प्रोमोटर्स होते हैं, जब रजिस्टर होने वाले कराने जाते हैं तो वो सब्सक्राइबर होते हैं, साइन कर लेते हैं तो, और फिर उसके बाद वो क्या बन जाते हैं, मेंबर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है प्रोमोटर्स को आपने लेटर लिखना है ऑन बिहाफ ऑफ बेस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पे आपको वो नाम भी दे रहा है। मैंने कहा था जिस सवाल में आपको नाम देगा तो वहां अपना नाम यूज करेंगे, लेकिन कौन सा ये वाला बेस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज, नवीद नहीं लिख के आना पेपर में, ठीक है। हु आर देयर कंसल्टेंट्स एडवाइजिंग देम अबाउट, एडवाइज करने हैं स्टैट्यूटरी मीटिंग के बारे में, द पीरियड एंड विच ATL इज रिक्वायर्ड टू होल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग और फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, यह अभी हमने नहीं पढ़ा। तो ये क्या कह रहा है, पीरियड बताना है कि इसको स्टैट्यूटरी मीटिंग कब हेल्ड करानी है। अब देखो 12 नंबर का सवाल आया है, क्या बताना है, पीरियड
सिर्फ स्टैचुटरी मीटिंग का और एजीएम का, लेकिन ये 12 नंबर पूरे इसके ही नहीं है, इसका एक और पार्ट था वो दूसरे चैप्टर से रिलेट करता है, इसके यहाँ नहीं है। अब अगर मैं इसको लिखूं, सवाल को कैसे लिखूंगा मैं, देखो इसके अंदर उसने खुद ही बोला है लेटर, मैं तो हर सवाल इस फॉर्मेट में कराता हूँ जहां भी एडवाइस मांगता है वो, तो यहाँ तो उसने लाजमी रिक्वायरमेंट रख दी है कि मुझे लेटर लिख के दो, ठीक है, तो उसको रटा नहीं चाहिए कि तुम शुरू कर दो कि स्टैचुटरी मीटिंग शैल बी हेल्ड अर्लियर ऑफ विद इन 180 डेज ऑफ सीओसीबी और 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विच एवर इज अर्लियर, ऐसा नहीं कह रहा वो, सही है। उसने इतनी मेहनत से सिनेरियो बनाया है, लेकिन ये 2009 का है, थोड़ा सस्ता आई कैप था। अब आएगा सवाल तो ऐसा ही सवाल आएगा थोड़ा और पॉलिश होके, जिसमें वो बता देगा कि अल्फा टेक्नोलॉजीज है इनकॉर्पोरेट होने जा रही है, फिर नीचे लिख देगा कि वो इनकॉर्पोरेट हो गई इस दिन पे और सीओसी भी मिला इस दिन पे, वो डेट्स भी तुमसे गिनवाएगा। अब जो पेपर में सवाल आएगा, इसके अंदर उसने खुद ही बता दिया है, दैट मींस कि इसके अंदर हमने सिर्फ उसको सीधा कॉन्सेप्ट देना है कि सीओसी भी और 180 डेज यहाँ पे 9 months विच एवर इज अर्लियर है, पूरी बातें करनी है, ठीक है। तो इस सवाल को हम शुरू कैसे करेंगे, लेटर फॉर्म में करेंगे, ये याद रखना, ठीक है। टू द प्रोमोटर्स, ठीक है, बीइंग द कंसल्टेंट ऑफ योर कंपनी वी वुड लाइक टू एडवाइज रिगार्डिंग द फॉलोइंग मैटर्स, पहले मैंने हेडिंग दे दी, पहला मसला स्टैट्यूटरी मीटिंग। अब इसके अंदर उसने क्या किया, सीधा सीधा दिया अल्फा, अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट अल्फा टेक्नोलॉजीज बीइंग अ पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल शैल हेल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग अर्लियर ऑफ 180 डेज, सही है, इतना लिखोगे इस सवाल का आंसर। ये अभी हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, और फिर मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा, योर एडवाइजर्स या कंसल्टेंट बेस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज, नहीं इसके 2-3 पार्ट थे ना, उसने वो ब्रेकअप नहीं दिया, वो सीधा सीधा 12 लिख दिया था, तो अभी हमारे लिए रेलेवेंट सिर्फ ये पॉइंट है, होल्डिंग ऑफ स्टैचुटरी मीटिंग, और इसके बाद हमने ये लेटर क्लोज कर देंगे योर एडवाइजर्स, सही है। जो बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी तक हमारे साथ ड्राफ्टिंग की टेक्निक या क्लास नहीं ली है, कोई सवाल ड्राफ्ट नहीं किया है, तो भाई जो भी एडवाइस का सवाल आता है उसको हम इस तरह अटेम्प्ट करते हैं, सही है, कि जैसे यहाँ होता प्रोमोटर्स की जगह डायरेक्टर्स, तो हम लिखते हैं डियर डायरेक्टर्स, फिर इस तरह शुरू करते हैं और आखिर में योर सिंसियरली करके लेटर क्लोज कर देते हैं एडवाइस, क्योंकि भाई प्रोफेशनली जो ड्राफ्टिंग होगी ना, एडवाइस होगी, हमेशा लेटर फॉर्म में ही होगी। इस सवाल में तो खैर उसने खुद बोल दिया है कि भाई मुझे एडवाइस करो लेटर फॉर्म में, और तुम्हारा नाम क्या है, बेस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज, क्लियर है भाई। तो बिल्कुल आसान सा सवाल था, इसका एग्जामिनर कमेंट नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर कमेंट 2011 से आए हैं, पहले नहीं होते थे भाई। आज की क्लास में किसी को कोई मसला, आज की क्लास थोड़ी सी हमारी अजीब सी रही, अभी 15 मिनट है, मैं अगर एनुअल जनरल मीटिंग शुरू करूंगा तो वो खत्म नहीं होगा, सही है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि एटलीस्ट 2 मीटिंग्स खत्म हो जाती हैं, अगर ये हमारे 20-25 मिनट तो जाया हुए हैं आराम से, अगर ये ना होते तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम मिलते हैं, अगली क्लास हमारी होगी ट्यूसडे को, सही है, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, फिर 3 कंजर्वेटिव क्लासेज होंगे हमारे अगले हफ्ते में। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आपसे अगली क्लास में, किसी का कोई सवाल हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं अवेलेबल हूँ। अल्लाह हाफिज़।